देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जैसा कि एक काल हम लोग इसका डिस्कशन शुरू किए थे, तो इसमें आपको बताया गया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के पीछे रीजन क्या था कि कम से कम ह्यूमन जीनोम जो है, जैसे सिर्फ ह्यूमन जीनोम ही नहीं, कई सारे जीनोम प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कई सारे वर्किंग में हैं, मतलब जिन पे काम चल रहा है। एक्चुअली स्पेसिफिक ऑर्गन जो होते हैं उनके जीनोम की स्टडी करना, यानी जीनोम यानी उनके जेनेटिक, यानी उनके टोटल जेनेटिक मटेरियल पर, यानी क्रोमोसोम पर कितने जीन पाए जाते हैं और पर्टिकुलर जीन्स की क्या फंक्शनिंग होती है या उनका एक्सप्रेशन कैसे होता है और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में ही स्टडी करना क्या कहलाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, आपको कल मैंने बताया था कि 2003 में पूरा हो गया था, लेकिन इसके कुछ जीन्स की डिस्कवरी जो है वो 2006 में जा करके कम्प्लीट हुई। इसमें कई सारे कंट्री और कई सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था और काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक तरह का मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें खर्चा बहुत आया। तो देखिएगा, इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपने पिछले सेक्शन में कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है कि पर्टिकुलर डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है या उसी का एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स के कैरेक्टर जो है वो डिफाइंड होते हैं या उसके बारे में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। इन अदर वर्ड जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। तो किसी भी ऑर्गन का जो जेनेटिक मेकअप होता है, मतलब जीन की जो बनावट होती है, वो उसके डीएनए में ही पाया जाता है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर्स देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट। अगर दो ऑर्गन आपस में डिफर कर रहे हैं तो उनका जेनेटिक सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनका एक्सप्रेशन अलग अलग दिखाई दे रहा है। At least at some places, तो कम से कम अगर मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर उनके सीक्वेंस जो है वो आपस में क्या करेंगे, डिफर करेंगे। एक लाइन बोला जाता है रिप्रोडक्शन में कि no two individuals of a species are similar except मोनोजाइगोटिक, उनको छोड़ दिया जाए तो इस अर्थ पर कोई भी दो ऑर्गन ऐसे नहीं है जो सिमिलर हो। क्यों? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा, बनावट होगी, वो अलग अलग होगी। नेक्स्ट, दीज एजम्पशन लेड टू बी द क्वेस्ट ऑफ द फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो इसी वजह से यही कारण रहा है कि ह्यूमन के कंप्लीट जीनोम की स्टडी की गई या उसका कंप्लीट सीक्वेंस का पता लगाया गया। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस, अ वेरी ambitious project of the sequencing human genome was launched in the year 1990. तो देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि with the establishment of genetic engineering, एक ब्रांच होती है साइंस की जो जेनेटिक मटेरियल की स्टडी या उस पर रिसर्च करती है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे बीटेक होता है, ऐसे ही बायोटेक एक ब्रांच होता है जिसमें क्या किया जाता है, ऐसे ही इसी रिस्क जेनेटिक मटेरियल पर या किसी भी ऑर्गन के जेनेटिक्स पर या रिकॉम्बिनेशन पर रिसर्च किया जाता है। तो उसकी मदद से ये काम आसान हो पाया है कि हमने क्या किया है, डीएनए की सीक्वेंसिंग हम कर सकते हैं या उसका क्लोन तैयार कर सकते हैं या उसके सीक्वेंस की स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ, 1990 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेगा प्रोजेक्ट।
यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइंड द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई या इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या था, क्या आउटकम मिला हमको, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कुछ चीजें डिस्कस करके। जैसे देखिएगा, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बी टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम में लगभग कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 3×10⁻⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर, मतलब अगर एक बेस पेयर की स्टडी पे खर्च कितने का आता है? $3 का आता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट के, तब ये सिर्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, लगभग अंदाजन था कि एक बेस पेयर की स्टडी पर कितना खर्च आ रहा है, $3 का आ रहा है। तो 3×10⁻⁹ इतना $ आ जाएगा, यानी 9×10⁻⁹ $, या इसको बोल सकते हैं आप 9 बिलियन, क्या बोल सकते हैं? 9 बिलियन $। अब इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 75 या 76 रुपए जो भी चल रहा हो, 75-76 रुपीज, तो इतनी कॉस्टिंग है। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। फर्दर, इफ द ऑब्टेंड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइम फॉर्म इन द बुक एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन द 1000 letters and each book contained the 1000 pages, then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell। ये कह रहा है कि अगर जो भी सीक्वेंस का हम पता लगाते हैं, उस सीक्वेंस को हम कहीं राइट डाउन करें, नोट करें, ठीक है, किसी बुक में लिखें या टाइप करें उसको, तो अगर हम मान लें कि एक बुक है, उस बुक में पेजेस कितने हैं? 1000 pages हैं, और एक पेज पे हम कितने वर्ड लिख रहे हैं? 1000 words लिख रहे हैं। तो ऐसे ही हमको 3300 books चाहिए पूरा भरने के लिए, हजार पेजेस की, तब जाकर के ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस पूरा। तो आप मतलब इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको डाटा स्टोर करना, कितना आपको डाटा स्टोर करना पड़ेगा, जो कि हमारे एक सेल के अंदर इतना डाटा है, एक सेल के अंदर इतना डाटा कोडेड है, जितना आप 3300 book में हजार पन्नों की बुक पे लिखेंगे और हजार वर्ड लिखेंगे एक एक पन्ने, इतना डाटा या इंफॉर्मेशन हमारे एक छोटे से सेल में उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोडेड है। The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis। तो इसके लिए हमको एक तो पहली बात तो हाई कंप्यूटर चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर चाहिए, एडवांसमेंट टेक्निक चाहिए, जिसमें हम इतने डाटा को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। जैसे एक पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं तो 2-4-6 MB, 10 MB का होता है, जो कि कुछ 15-20 पन्नों का होता है, तो हजार पन्नों की 3300 book का कितना डाटा होगा, और ये इतना डाटा जो है वो आपके सिर्फ एक सेल के अंदर है। इसीलिए बोला जाता है कि मैमल जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट है। ठीक है, ये तो सिर्फ हमारे बॉडी सेल के अंदर का इंफॉर्मेशन है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है न्यूरॉन या नर्व सेल में। ये सारा कुछ हम पढ़ करके या पता लगा करके ही तो हम सीक्वेंस करते हैं। तो ये ऐसे डाटा जो है वो सोचिए कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन द बायोलॉजी कॉल्ड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. अंडरलाइन के लिए यानी बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ लीजिए इसको, इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स. मतलब लिविंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में. तो ये जेनेटिक्स की एक ब्रांच हो सकती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक अलग से फील्ड ही है. गोल्स ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या थे, एम क्या था ये देखिएगा. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एचजीपी वर एज फॉलो. पहला आइडेंटिफाई ऑल द एप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए. लगभग 20 से 25,000 जीन के बारे में पता लगाया. तो जितने जीन उतने कैरेक्टर. डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर. ये 3 × 10⁻⁹ इतने बेस पेयर है ना, तो 3 बिलियन बेस पेयर की क्या की गई, केमिकल बेस पेयर की स्टडी की गई, उसका सीक्वेंस का पता लगाया गया. पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए, जिससे हमारा डीएनए बना हुआ. अगला स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेसेस. अब जो हमने पता लगाया इसको हमने अपने डाटाबेस में क्या किया, स्टोर किया. किस लिए स्टोर किया, जैसे अगर हम जीन का पता लगा लें उसका एक्सप्रेशन का पता लगा लें, तो अगर किसी भी पर्सन को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम डिफेक्टिव जीन का पता लगा सकते हैं और वो जीन किस क्रोमोसोम पर होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके लिए कौन से बेस पेयर रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें अगर वो हमारे डाटाबेस में रहेगा तो हम मैच करा के पता लगा सकते हैं ना कि एरर कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं, फर्दर उसका क्योर कर सकते हैं. इम्प्रूव टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस. जैसे स्कैनिंग होती है ना, तो स्कैनिंग में एरर का पता लग जाता है, ऐसे ही हम अगर डाटाबेस में कंप्यूटराइज डाटाबेस में हम रखेंगे तो अगर उस एरर को डाल करके हम सर्च करेंगे तो हमको पता लग सकता है कि किस पोजीशन पे एरर है, तो डाटाबेस से हम एनालिसिस कर सकते हैं. ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज. तो हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, जिससे हम क्या कर सके कुछ ऐसे केमिकल्स सिंथेसाइज कर सके या ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज कर सके जिससे हम उसका क्योर कर सके या उसको करेक्ट कर सके. नेक्स्ट एड्रेस द इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज. एलसी बोलते हैं, ELSI, इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. अब कई सारे इथिकल और लीगल इश्यूज भी जनरेट हो सकते हैं. इथिकल और लीगल, लीगल क्या है कि अगर हम इन इथिकल क्या होगा इसमें कि अगर हम जीनों में कोई ऐसा चेंज करते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. जैसे भाई हम क्या करते हैं जीएमओ बनाते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो हमको उसका जीनोम पता होता है, उसके सारे सीक्वेंस पता होते हैं, तभी तो हम बना पाते हैं उसको. तो अगर ह्यूमन जीनोम को मॉडिफाई कर दिया जाए जो कि इलीगल, कोई भी कंट्री इसके लिए परमिशन नहीं ले. सपोज दैट कि अगर आपने ह्यूमन को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कोई ऐसा तैयार कर दिया जो आपसे ज्यादा सुपीरियर हो, तो अगर वो आपसे ज्यादा सुपीरियर होगा तो अपने आप को खुद फिर बना सकता है उसी टेक्निक से, देन हमारा एग्जिस्टेंस खुद खतरे में आ जाएगा. इसी कॉन्सेप्ट को कई सारे मूवी में दिखाया जाता है. एक रोबोट मूवी देखें तो उसमें क्या किया, उसने रोबोट बनाया, रोबोट ने रोबोट को बनाना शुरू कर दिया और उसका जो डाटाबेस था चिप था उसमें क्या किया गया, चेंजेस कर दिए गए. तो वो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है ना, जो जो उसको चेंजेस चाहिए वो चेंजेस कर सकता है, और फिर वो आपका कमांड क्यों लेगा, इफ ही सुपीरियर देन यू. अगर वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है तो आपका इंफॉर्मेशन
आपके द्वारा कमांड दिया गया मानेगा ही नहीं, वो अपने मन की करेगा, तो हो सकता है ह्यूमन पॉपुलेशन ही खतरे में आ जाए, हम ही बनाए, हम ही खतरे में आ जाए। तो अदर ऑर्गन बनाए जाते हैं जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, अभी आगे चल रहे थे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जीएमओ पढ़ाए जाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन, तो उसमें हम कई सारे तैयार करते हैं भाई। हर साल आप देखिए कुत्ते नए कुत्ते बिल्ली की नई नई वैरायटी आ जाती है, सबसे ज्यादा कुत्ते में वेरिएशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है, कैसा कुत्ता चाहिए, बार्किंग नॉन बार्किंग, बाल वाला बिना बाल वाला, पूंछ वाला बिना पूंछ वाला, जैसा चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अब घूमने वाला नहीं घूमने वाला, अब जैसा आपको पसंद है वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं नई स्पीशीज, हाइब्रिड बना देंगे किसी दूसरी स्पीशीज से लेकर के। अभी मार्केट में छोटे छोटे कुत्ते आते हैं चूहे के जितने बड़ा होते हैं, इतने बड़े जितना बड़ा वो कीचेन लेकर के घूमते हैं पपी वाला, उससे उतने बड़े में तो कुत्ता आ जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, साइज उतना ही सही रहेगा, दिखेगा कुत्ते के जैसा। तो ये इलीगल हो जाएगा या इनइथिकल हो जाएगा आप अगर आप उसके फॉर्म में कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं जो देखने में ना सही लगे। कई सारे मूवी में ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, पता चले कि इंसान को छिपकली से जीनोम डाल करके हाइब्रिड बना दिया कुछ, तो मूवी में दिखाया गया था ना, आइसक्रीम खा जाता है सबको। अगला देखेंगे, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाई, 13 साल का प्रोजेक्ट था, किसके किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया देखिएगा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट दिया है गया, बाकी कंट्री दी गई, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड द वेलकम ट्रस्ट यूके, एक वेलकम ट्रस्ट है यूके का, वो बिकम अ मेजर पार्टनर, फिर इसका पार्टनर बना क्या, वेलकम ट्रस्ट यूके का। फिर इसके बाद देखेंगे, एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स, फिर अदर कंट्री के द्वारा भी है, कोई लोग इंडिया खोज रहे हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003, 2003 में पूरा हुआ, 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में पूरा हो गया, 13 साल लगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कंप्लीटेड इन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 2003 ही लगाएंगे, कहेंगे सर बाद में लेकिन कुछ जीन तो 2006 में खोजा गया था, 2006 तक तो कंप्लीट तो तब मानेंगे जब फाइनल हो जाए ना, लेकिन अगर एनसीईआरटी लिख रही है कंप्लीटेड इन 2003 तो मान लेते हैं 2003 में ही पूरा हुआ है। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल कैन लीड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोस, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमको कई सारे फायदे मिले हैं कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, हजारों ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं या उसका क्योर कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। बिसाइड प्रोवाइडिंग द क्ल्यूज टू द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिक डीएनए सीक्वेंसेस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटी दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सॉल्विंग चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर। तो हम सिर्फ जीनोम की स्टडी करके ह्यूमन का रिलेशन ही नहीं पता लगाते हैं कि किस ऑर्गन से ये रिलेटेड है या कौन सा ऑर्गन से क्लोजली रिलेटेड है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, सिर्फ हम इवोल्यूशनरी व्यू का ही नहीं पता लगाते हैं, साथ ही साथ हम ऐसे चैलेंजेज को भी सही कर सकते हैं जो बायोलॉजी के लिए चैलेंज है, या कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो चैलेंज है, जैसे कैंसर, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है,
ठीक है, लेकिन अभी इस पे रिसर्च जारी है और कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ऐसी वैक्सीन तैयार कर लेंगे जिसको लगाने से कैंसर नहीं होगा। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में जिनका क्योर ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन उनको भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जैसे कई सारी बीमारियां पड़ते हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, एक्सेट्रा, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका भी क्योर किया जा सकता है। कैन बी अप्लाई टूवर्ड द सॉल्विंग द चैलेंजेज इन द हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर के लिए चैलेंज, मतलब कई सारे डिसऑर्डर डिजीजेज, एग्रीकल्चर खेती के लिए, वही मैंने बताया ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, हमने कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए, जो जैसे हमारे पास एक प्लांट था कॉटन का, तो कॉटन में एक बॉल बर्न होता था जो इसके फ्रूट को बोल कर देता था, छेद कर देता था, इससे इसमें कॉटन नहीं प्रोड्यूस होने पाता, इसलिए महाराष्ट्र में कमाई अकाल पड़ गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से तो फिर हमने क्या किया, बीटी कॉटन डेवलप कर लिया। क्या डेवलप किया? बीटी कॉटन डेवलप, एक बैक्टीरिया था बैसिलस थुरिंजियंसिस, इसके द्वारा एक बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता था, बीटी टॉक्सिन जीन था, एक टॉक्सिन केमिकल प्रोड्यूस करता था, पहले हम इसका स्पोर यूज करते थे, स्पोर को पानी के अंदर घोल करके छिड़काव कर देते थे पत्तियों के ऊपर, तो कैटरपिलर लार्वा जब इसको खाता था उसके गट में पहुंचने के बाद परफोरेशन कर देता था, छेद कर देता था, मर जाता था, तो हम अपनी फसल को बचा ले जाते थे, लेकिन अगर छिड़काव नहीं कर पाए तो ये फसल को नुकसान कर देता था। तो हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया का जीन ही निकाल दिया और इस प्लांट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब ये प्लांट ही मॉडिफाइड हो गया, अब इस पे इंसेक्ट फीड ही नहीं करता, इसको खाता ही नहीं, बच गया हमारा फसल। तो इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल दिया। ऐसे ही कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आते हैं, जीएमओ बताएंगे, रोजी काउ और फर्स्ट फ्लोर डॉली, वो भी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सी भेड़ थी का, ठीक है। तो ये जो हमने तैयार किया, तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बीटी कॉटन बनाया, बीटी भिंडी बनाया, बीटी ब्रिंजल बनाया, ठीक है। भिंडी भी लेते थे तो उसमें भी कीड़े लग जाते थे, बैगन तो देख देख करके घुमा घुमा के खरीदते थे कि कहीं छेद ना हो। अभी दुकान वाला जो बेचता है सब्जी वाला कहता है कि भैया आग बंद करके खा लीजिए, मतलब कीड़ा नहीं निकले। अभी टीम रिंजल हमने तैयार कर लिया, उसमें कीड़े लगते ही नहीं, लेकिन रिसेंट ईयर में बैन कर दिया गया। लेकिन एक बार जो मार्केट में आ गया वो बैन, उसके एक्चुअली हुआ ही है कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड तो किया लेकिन उसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी दिखाई देने लगे, तो इस वजह से अभी वो अंडर रिसर्च फिर से चला गया। लेकिन एक बार मार्केट में आ गया तो बेनिफिट उसका पता चल गया कि कीड़े नहीं लगते हैं, हमारी फसल नहीं खराब। आगे देखिएगा, तो हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका यूज करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन एटसेट्रा, और भी कई सारी चीजें। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरेबिटिस, एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ड्रोसोफिला मक्खी है, फ्रूट फ्लाई आप जानते ही हैं, प्लांट्स दैट इज राइस एंड अरेबिडोप्सिस एटसेट्रा हैव बीन सीक्वेंस्ड, इनका भी हमने सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया है। इतने सारे ऑर्गेन्स का हमने क्या किया, सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया। इसमें कई सारे प्लांट हैं और कई सारे एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो जिनका हमने क्या किया है, जीनोम की स्टडी जो है वो कंप्लीट कर ली। तो अब हम इनके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि लीगल और एथिकल तरीके से जो है हम ह्यूमन को छोड़ करके बाकी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मेथडोलॉजी देखिएगा, क्या मेथड होता है या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, तो देखिएगा, द मेथड इन्वॉल्व द टू मेजर अप्रोचेज, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए,
तो पहला हमारा मेथोडोलॉजी ये होता है कि हम सारे उन जीन का पता लगा लें जो एक्सप्रेस करते हैं यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। हमको उसके बारे में पता ही नहीं लगाना है या डीएनए के उस सीक्वेंस की स्टडी ही नहीं करनी है जो आरएनए नहीं बनाता है। जब आरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो उतने पार्ट के डीएनए से हमको कोई मतलब नहीं, जितना पार्ट सीक्वेंसिंग करता है या एमआरएनए बनाएगा उसी से मतलब है। तो हम पहले उन जीन्स को आइडेंटिफाई कर लें। रिफर्स टू द एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग अंडरलाइन के लिए इसको ईएसटी बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। एंड द अदर टू द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एक तो ये है कि आंख बंद करके हम पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग कर दें, चाहे वो कोडिंग पार्ट हो या नॉन कोडिंग पार्ट हो, सीक्वेंसिंग या नॉन सीक्वेंसिंग हो। एंड लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद द फंक्शंस आई लेटर रिफर्स टू एज द सीक्वेंस एनोटेशन। तो उसमें हम फिर पता लगाएं कि कितना पार्ट जो है वो स्ट्रक्चरल जीन में कन्वर्ट होगा और कितना नहीं होगा। तो जितना कन्वर्ट होगा उसको सीक्वेंस एनोटेशन बोलेंगे। फॉर द सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। रिकॉल द डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर। तो हम क्या करते हैं, डीएनए पूरे सेल के डीएनए को निकाल लेते हैं, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर लेते हैं क्योंकि डीएनए की लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए एंड क्लोन इट सुटेबल होस्ट यूजिंग द स्पेशलाइज्ड वेक्टर। तो एक खास वेक्टर की मदद से हम उस डीएनए का क्या करें, क्लोन बना लें, क्लोनिंग कर लें। एंड द क्लोनिंग रिजल्ट्स इनटू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए। फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब बढ़ाना, जैसे साउंड में पड़ता है ना एम्प्लीफायर होता है, तो एम्प्लीफायर का काम ही क्या होता है, जो आप इनपुट देते हैं उसको आउटपुट में बढ़ा देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डीएनए सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। जितना डीएनए का छोटा छोटा फ्रेगमेंट क्या है, हम फिर उसका क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। आप पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट द सबसिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद ईच, उसको आसानी से क्या किया जा सके, सीक्वेंस किया जा सके। एंड द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट अंडरलाइन के लिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या सीक्वेंसिंग के लिए कॉमनली जो क्लोन यूज किया जाता है वो बैक्टीरिया है या ईस्ट है। बैक्टीरिया में भी इकोलाई, बैक्टीरिया में लिखो इकोलाई सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बैक्टीरिया। एंड द वेक्टर वर कॉल्ड एज बीएसी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड वाईएसी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो हमने क्या किया, उस बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंकॉर्पोरेट करके हम उसके क्लोन तैयार करेंगे, उसकी फिर सीक्वेंसिंग करके स्टडी करके हम उसका पता लगा लेंगे। द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस्ड यूजिंग द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सैंगर। देखिएगा इसमें एक नोट करके पॉइंट दिया गया है, रिमेंबर सैंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन अंडरलाइन। इन्होंने प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताया था सबसे पहले, तो ये इसके लिए भी जाने जाते हैं। एंड दीज सीक्वेंस वेर अरेंज्ड बेस्ड ऑन द सब ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। तो देखिए हमने क्या किया था, डीएनए का छोटा छोटा फ्रेगमेंट तैयार कर लिया था, अलग अलग फ्रेगमेंट था, लॉन्ग डीएनए को हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया था। फिर हमने क्या किया, बैक्टीरियल जीनोम के साथ इसको इंटरपोरेट करके हमने इसकी क्लोनिंग कर ली। ठीक, तो जब हम क्लोनिंग करेंगे तो क्लोनिंग के दौरान क्या होगा, इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा,
जिसका भी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, मतलब वो डीएनए थ्रेड क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। अब होगा क्या कि इस डीएनए का कुछ पार्ट इस डीएनए के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब सेम सीक्वेंस मिल रहे हैं, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जितना सेम सीक्वेंस मिलेगा उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो सेम सीक्वेंस वाले को जब एलिमिनेट कर देंगे तो जो बचा हुआ रीजन रहेगा उसी को हम फिर क्या करेंगे, जोड़ करके कंप्लीट सीक्वेंस बना लेंगे। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब इन सीक्वेंस को आपस में एक साथ जोड़ना हमारे बस की बात नहीं है, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जिनकी मदद से हम इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। दीज सीक्वेंस वर सबसिक्वेंटली एनोटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। तो फिर इन सीक्वेंस की स्टडी की जाती है और हर एक सीक्वेंस को क्या किया जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या किया जाता है, एनोटेड कर दिया जाता है, मतलब नंबरिंग कर दी जाती है या दे दिया जाता है कि कौन सा जीनोम या किस क्रोमोसोम पर पाया गया या किसका पार्ट है। द सीक्वेंस ऑफ ए क्रोमोसोम फर्स्ट वाज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006। फर्स्ट क्रोमोसोम के जीनोम की स्टडी जाकर के 2006 में पूरा। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम एंड 22 ऑटोसोम एंड एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस्ड। देखिए 23 पेयर है, ये 24 क्यों बोल रहे जा रहे हैं, 22 पेयर ऑटोसोम हो गए और एक एक्स होता है एक वाई होता है, कि ये दोनों नॉन होमोलॉगस है ना, एक जैसे तो है नहीं, तो इसको इन्होंने अलग काउंट कर लिया, इसको इन्होंने अलग काउंट कर लिया। Another challenge task was assigning the genetic and physical map on the genome। तो उसका जेनेटिक मैप या फिजिकल मैप तैयार करना जो है एक और टास्क था, चैलेंजिंग टास्क था। दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज रिकॉग्नाइजिंग साइट रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज द माइक्रो सैटेलाइट। दैट मीन्स वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज इज रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कह रहे हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बाकी सीक्वेंस को हमने जोड़ा कैसे या कट कैसे किया, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज, आगे चल करके आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में एक एंजाइम होता है जिसको हम मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं या डीएनए सीजर बोलते हैं। इसकी मदद से हम डीएनए के सीक्वेंस को कहीं इंटरनली कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज एंजाइम। और आगे ये पढ़ेंगे आप डीएनए लाइगेज, जिसकी वजह से दो डीएनए के फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको हम डीएनए ग्लू बोलते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, कुछ मुख्य फीचर देख लीजिए ह्यूमन जीनोम के क्या थे। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो गोल था उसका, एम, क्या क्या एम था उसका, क्या टारगेट अचीव करना चाहते थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू। अब फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में देखिए। सम ऑफ द सेलियंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉ फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। पहला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंटेन्स, अंडरलाइन कर लीजिए, 3,164.7 मिलियन बेस पेयर। अब या इसी को मिलियन में कन्वर्ट करना चाहे तो 3.1647 × 10^9 हो जाएगा। एंड द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेस पेयर। कोई भी एक एवरेज जीन जो होता है वो 3,000 बेस पेयर से मिलकर के बना होता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में या ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स हैं, 20 से 25 हजार, इसीलिए बोला गया ना 20 से 25 हजार जीन्स हैं। तो एक जीन की सीक्वेंसिंग के लिए कितने बेस पेयर चाहिए होते, 3,000 बेस पेयर चाहिए होते। बट साइज वेरी ग्रेटली, लेकिन साइज जो है वो ज्यादा वेरिएबल है, विथ द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बींग डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन है ना,
2.4 मिलियन बेस पेयर, अंडरलाइन में 1 मिलियन यानी 10 लाख, इसमें 24 लाख बेस पेयर पाए। तो अब साइज देख लीजिए कितना वेरी कर रहा है। कहे कि जनरल जीन जो होता है, नॉर्मल जीन जो होता है, वो 3000 बेस पेयर का बना। क्या है डिस्ट्रोफिन जो कि लार्जेस्ट जीन है, जो कितने बेस पेयर का बना है? 24 लाख बेस पेयर का बना। 2.4 मिलियन मतलब पूरे 10 से कर दीजिएगा तो लाख आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन। पहले यह अंदाजा लगाया जाता था कि कितने जीन्स हैं, 80,000 से 1,40,000 जीन, लेकिन हैं कितने? 20 से 25,000 एक जगह लिख रहे हैं, यहाँ पे 30,000 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत देखिए हेडिंग के अंदर दो जगह लिख रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं 20 से 25,000 जीन है, और एक जगह लिख रहे हैं कि 30,000 जीन है, जो कि 80,000 से या 1,40,000 से बहुत कम। ऑलमोस्ट ऑल दैट इज 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। अंडरलाइन 0.1% का डिफरेंस होता है जिससे पता लगाया जाता है। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इतना आसानी से नहीं पॉसिबल हो पाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब आपका सैंपल लिया जाएगा, तब जांच होने के लिए हैदराबाद CCMP जहां लालजी सिंह प्रोफेसर थे, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया बोला जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ सर एलेक्जर। नेक्स्ट, तो लगभग सभी लोगों में 99.9% जीन जो होता है वो सिमिलर होता है, 0.1% का डिफरेंस होता है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। अभी तक जितने भी जीन हमने डिस्कवर्ड कर लिए उसमें से 50% जीन के अभी हमको फंक्शन ही नहीं पता है कि क्या फंक्शन है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन। अब जितने हमने जीनोम के बारे में पता लगाया उसमें से 2% से भी कम जीनोम हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, किसी प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, यानी वही उतने एक्सप्रेस होते हैं, बाकी एक्सप्रेस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, रिपीटेड बेस पेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम। कई बार ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होते हैं वो 100 से 1000 बार रिपीट होते हैं एक ही ह्यूमन जीनोम के अंदर। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये डायनेमिक्स या इवोल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, डायनेमिक मतलब चेंजिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली कोड नहीं करते हैं या उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अगला देखिएगा, क्रोमोसोम फर्स्ट अंडरलाइन कर लीजिएगा, हैज मोस्ट जीन। सभी क्रोमोसोम में क्रोमोसोम फर्स्ट पर सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं, 2968 जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे सबसे ज्यादा। एंड द वाई है द फीवेस्ट, वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन पाए जाते हैं, 231 मार्क्स। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि लगभग पूरे जीनोम पर 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं जहां पर सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस पाया है। सब में क्या होता है? सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस होता है, इसको SNPS बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक। पॉलीकमल होता है मेनी, मार्फमल होता है का मतलब इतने जगहों पर जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं,
न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर नहीं पाए जाते हैं। प्रोनाउंस एज स्निप्स, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, स्निप्स शॉर्ट में बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर अकर्स इन द ह्यूमन। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर द डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री का पता लगाने के लिए या डिजीजेस का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस जो है इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, नहीं इसको खत्म कर लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचा रहेगा, अभी 5 मिनट है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस देखिएगा कि मतलब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन क्या है और फ्यूचर चैलेंजेस क्या है। डेराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन द रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। कह रहे हैं कि आगे आने वाले 10 सदियों में 10 सालों में हम इस बात का पता लगा लेंगे या हम इस तरह की फाइंडिंग कर लेंगे कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा पता लगा सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पता लगा सकते हैं। दिस इनॉमरस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ 10,000 ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वराइड डिसिप्लिन्स इन द बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड। तो कह रहे हैं इसमें कई हजार साइंटिस्ट लगे, देख सर 10,000 लिखे हैं ना, मतलब 10,000 या इससे ज़्यादा साइंटिस्ट लगेंगे, वो भी अलग अलग सेक्टर को, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, वो अलग अलग, जैसे कई सारे प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं जो रिसर्च में काम करते हैं अपना, भाई कई सारी फार्मेसी कंपनियां होती वो दवाई बनाती हैं तो वो अपना रिसर्च करती हैं भाई, जो भी अब सोचिए कि बायोटेक्नोलॉजी करके जाएगा तो वो रिसर्च फील्ड में ही काम करेगा, तो वो लगातार उनकी टीम वर्क करती रहती है। अब इसी में देखिएगा जब कोरोना की वैक्सीन तैयार कर दी हुई तो कई सारी मेडिकल एजेंसी या कंपनियाँ जो हैं आई कहीं कि ये बना रही हैं ये बना रही हैं, जैसे उसी में एक रैन वैक्सीन कंपनी है जो बनाती है, ठीक है। तो जानते हैं ये कंपनियां जो होती हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम होती हैं, प्राइवेट होती हैं, गवर्नमेंट इनसे वैक्सीन खरीदती है, इनके पास ऑर्डर लगाती है कि हमको कितना चाहिए। न्यूज वगैरह में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट वो बोल रही है कि अभी आपको नहीं मिल पाएगा। सोच लीजिए आप ही के देश की कंपनी है, आप ही के देश में है और आप ही के देश को पहले नहीं दे सकती, आपने ऑर्डर नहीं दिया, जिस जो भी ऑर्डर देगा तुमको ये बना करके देती है, तो ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिस्टम में काम कर रही है। तो अब साइंटिस्ट जरूरी थोड़े ना है कि सबके सब सरकारी ही प्राइवेट नहीं हो सकते हैं, भाई अपना रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने फाइंडिंग की, अब उसके लिए उनको कोस्ट चाहिए, वो चाहे कंपनी दे रहे कोई भी। ऐसे ही आप जब स्टडी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो साइंटिस्ट हाइब्रिड प्लांट तैयार करते हैं तो उनका भी एक टाइप होता है, जैसे हाइब्रिड सीड आप लोग खरीद करके लाते हैं मार्केट से ना, आप सिर्फ उसको एक बार उगा सकते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि फिर उससे कलेक्ट करके सीड रख लें और उसको अगले साल उगेगा ही, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा। तो वो टर्मिनलाइज सीड देते हैं, अब सोचिए कि उन्होंने 2-4 साल 6 साल 8 साल 10 साल रिसर्च किया, बनाया कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बना के बेच दिया, आप उगाए फिर आप ही बेचना शुरू कर दिए सीड, तो फिर उनका क्या फायदा, उन्होंने तो एक बार बनाया, अब आप जो है बेच रहे हो, तो वो सीड का टर्मिनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब वन टाइम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम देगी, उसके बाद जो है आप उसी से अगर सीड रखोगे, जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वैसे ही था पहले के समय कि हम मान लीजिए गेहूँ बोते थे, बढ़िया वाला सीड जो है वो छांट करके अलग कर लेते थे, इसको बोया जाएगा और बाकी खा लेते या बेच देंगे जिस भी पर्पज से उगाते हो, तो फिर उसी को बोते थे, फिर रख लेते थे बढ़िया सीड को कलेक्ट करके, ठीक है, इसको सिलेक्शन प्रोसीजर। लेकिन अब हाइब्रिड आ गया है, वन टाइम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लीजिए फिर मार्केट से ले आइए, तो वो क्या, हाँ प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है इसी वजह से ना, तो वो इस स्टेज पे देते ही है ना,
वो स्टेज पे है, उसी स्टेज पे आपको देते भी कि अगर आप उस पर करवाइएगा तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें होमोजाइगस रिसेसिव आने के चांस नहीं, तो हो जाएगा रिसेसिव हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई है। आगे देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑफ हैविंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में वेल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। तो अब इसमें कई सारे बायोलॉजिकल अप्रोच या रिसर्च के लिए फील्ड मिल सकता है। अब चूंकि अभी हमको हमने ऊपर वाले ही पैराग्राफ में पढ़ा है कि 2% जीनोम ही ऐसे हैं जो प्रोटीन के लिए सीक्वेंसिंग करते हैं, जितना हमने जीन रिसर्च किया है उसमें 50% जीन के फंक्शन ही हमको नहीं पता है, तो अब उनका पता लगाएंगे, उनके एक्सप्रेशन का पता लगाएंगे, रिसर्च करेंगे। तो इन द पास्ट रिसर्चर स्टडी वन आर अ फ्यू जीन्स एट अ टाइम, रिसर्चर पहले के समय में एक या दो चार कुछ जीनों का स्टडी करते थे एक समय, विद द होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू हाई थ्रू थॉटपुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच द क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। देखिए पहले के समय के साइंटिस्ट जो थे उतनी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं थी, हमारा सिस्टम एडवांसमेंट नहीं था, तो एक समय में एक या कुछ ही जीन पे रिसर्च करते थे, स्टडी कर पाते थे। अभी हम एक ही समय में क्या कर सकते हैं, कई सारे रिसर्च या कई सारे जीन पे स्टडी कर सकते हैं। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, सारे जीन्स की स्टडी कर सकते हैं एक जीनोम में प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गेन और ट्यूमर कैंसर, ठीक है, और हाउ 10,000 ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टूगेदर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑर्केस्ट्रेट्स द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब एक ब्रांच जो है वो जोड़ते चले जाते हैं कि किस तरीके से ये सीक्वेंस एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, या ब्रांचिंग पैटर्न क्या है उनका, इस बात का हम पता एक ही साथ पूरे जीनोम की स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीन किससे लिंक है या किसके एक्सप्रेशन से लिंक है, इस बात का पता हम एक ही समय पे लगा सकते हैं। क्योंकि अब हमने बताया ना ह्यूमनाइज सिस्टम नहीं कंप्यूटराइज सिस्टम, जो खुद उसकी एनालिसिस करके आपको क्या करेगा, डेटा बता देगा और आप उसको रीड करके क्या कर सकते हो, समझ सकते हो या जान सकते हो। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो कल इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, कल अगर खत्म हो जाएगा।